नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं आपको मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कृष्ण की जन्मभूमि के बारे में। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और उनकी रासलीलाओं के लिए विश्व भर में साल भर में करोड़ों लोग इस मंदिर में मथुरा आते हैं। वैसे तो पूरे ज़िले में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर सदियों से विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ मथुरा नगर, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव का अस्तित्व श्री कृष्ण के जन्म से पहले भी है। करीब 5000 साल पहले भगवान विष्णु ने अपना 22वां अवतार मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में लिया था। वे माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 12 बजे कंस की कारागार जेल में देवकी के घर में जन्मे थे। तब कंस मथुरा का राजा था, एक राक्षस था, और उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव महाराज को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया था। कृष्ण कारागार के अंदर ही देवकी की 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। रंग सांवला कुछ नीला होने की वजह से भगवान का नाम श्री कृष्ण रख दिया। ग्रंथों के अनुसार मथुरा में जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वह कंस के शासनकाल में मल्लपुरा क्षेत्र के कटवा केशवदेव में कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को कृष्ण का जन्म हुआ था। बाद में कृष्ण के हाथों ही राजा कंस समेत असंख्य राक्षस मारे गए। मान्यता है कि मथुरा कारागार यानी कृष्ण जन्मस्थान पर पहले मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यानी अनिरुद्ध की पुत्री ने करवाया था। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया। हालांकि महमूद गजनवी ने सन 1710 ईस्वी में आक्रमण कर यहां लूट मचा दी और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद एक अन्य हिंदू राजा ने फिर मंदिर का निर्माण कराया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर अब तक 4 बार बन चुका है। राजा वीर सिंह देव बुंदेली ने इस स्थान पर 4थी बार मंदिर बनाया था। सन 1669 में इस मंदिर की भव्यता से छिड़कर औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। इसके बाद ईदगाह को कोई हिंदू राजा नहीं हटा सका। हालांकि उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला द्वारा यह मंदिर के गर्भ का पुनर्द्वार और निर्माण कराना शुरू किया, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। अब यहाँ मंदिर और ईदगाह दोनों बने हुए हैं पास में। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था अब जन्मभूमि ट्रस्ट के हाथों में है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1991 में हुई थी। मंदिर प्रबंधन से जुड़े एक पदाधिकारी ने बताया कि मंदिर मस्जिद का पूरा इलाका कई स्तरीय सुरक्षाओं के घेरे में पड़ता है। दोस्तों, ये है जन्मभूमि और ये था जो मैंने आपको बताया जन्मभूमि का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बंद करते हैं यहीं पर और आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।